7 साल में रहा। सुभाष चंद्र बोस तो कुछ था उनमें सीमना में बेटा 10-10, 15-15 तोड़े सोना सी गया था। इनके नहीं बोला था हमने कुछ नहीं दिन दे भूखे काटेंगे। उनका क्या पापा पाछे कपड़े तरा दिए। नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं रियल न्यूज हरियाणा के साथ और आज हम पहुंचे हैं शहीद सेनानी के घर पर जो सुभाष चंद्र बोस की सेना में अंग्रेजों से लड़े उनके घर पर उनकी पत्नी यहां पर अभी मौजूद है, जिंदा है, तो उनसे भी जानेंगे। बताया गया है कि स्वर्गीय रतिराम गिल 1916 में जिनका जन्म हुआ था और जन्म जब हुआ तो वो अंग्रेजों के गुलाम थे। हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था। जब उसको होश आया तो रतिराम के मन में एक टीस थी कि वो एक गुलाम देश में पैदा हुआ है और वही टीस जब वो 24 साल के हुए तो उस 24 साल की उम्र में ही 1940 में सुभाष चंद्र बोस की सेना में भर्ती हो गई। बताया गया है कि रतिराम गिल बिल्कुल अनपढ़ थे और वो काफ़ी युद्ध भी लड़े हैं, उन्होंने युद्ध जीते हैं और हमारे देश को आज़ाद कराया है। तो आज उन्हीं के मकान पर हम पहुंचे हैं। हम आप सरकार द्वारा उन्हें 1972 में बताया गया है कि ताम्र पत्रों से भी सम्मानित किया गया है। तो ताई हमारे साथ है, देखो घर के बिल्कुल सामने एक पुरानी धरोहर है, कुएं पर ताई बैठी है, धूप सेक रही है, तो उनसे ही बात करेंगे और उनके छोटे लड़के वेद प्रकाश जिसे वेदी बोलते हैं वो भी हमारे साथ हैं, तो उनसे जानेंगे इस पूरे इतिहास के बारे में, क्योंकि शहीद सेनानियों के बारे में आज बहुत कम लोग बताते हैं और 1916 में पैदा हुए रतिराम गिल लगातार देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए हैं। तो आज उनसे पूरी जानकारी लेंगे ताई से। ताई राम राम। राम राम बेटा। ठीक है? हाँ ठीक है। पहला तो ये बताओ कि जो मेरा ताऊ था कब उनका जन्म हुआ था, अपने बेरा हुआ और कब वो बेरा। अच्छा, सेना में भर्ती हुआ किस टाइम, कितने अंग्रेजों के साथ लड़ा और कब उसकी मृत्यु हुई? मृत्यु तो ये घर आया पाछा है। अच्छा, कई साल पाछा है। ठीक। और 7 साल में रहा। अच्छा, कोई चिट्ठी पत्र नहीं आया। अच्छा, काले पानी तैर दिया था। काले पानी तैर दिया। ठीक है। अर्धमानी पानी आया था, कुछ नहीं दिया। कुछ नहीं दिया। एक बक्सा था उसका और भी बठिंडा का स्टेशन पैदल करने चाह पीने लग गया था और भी ठेके ले गया था कोई। अच्छा, वो जो जिस टाइम वो आए नहीं सेना में था, एक बक्सा लेके आए थे, वो भी चोर ले गए। सोचने वाली बात है भाई, उस टाइम उस सैनिक का बक्सा भी चोर ले गए ठेके। अच्छा, फिर ताई फिर अगर आया था भी पूरा, फिर थोड़ा इसी बात धरना मिला था पहला। अच्छा, ग्यारह ने सोच लिया था भाई वो तो मर गया। अच्छा, बाद में पता ही नहीं चला आपने? ना। अच्छा, फिर वो तिरताई थी मंगता की बोस की मांग, फिर आया पछू वो ब्यादी थी, नहीं बोला ईश्वरी ब्यादी वे मैं नहीं ब्याह करवाना था। अच्छा, फिर मैं तो उससे कई साल पछा ब्याह। अच्छा, तो तेरी शादी मेरे ताऊ के बाद में हुई है? हाँ, बाद में। पहला हुआ दूसरी मांग राखी थी। हाँ, इंटरेस्टिंग जो ताऊ रतिराम गल्ला जी उनसी मांग राखी थी नहीं ताई, इनकी सोच लिया था मर गया ताऊ तो वो दूसरा गला ब्यादी, ताऊ जिंदा हो गया फिर ताई ब्याई। एक सोचने वाली बात है, एक मजाक भी है। अच्छा, तो कब्जा करके मेरे ताऊ पे। और फिर कब्जा क्यों करके ब्याह तो मैं ही आई थी। फिर ब्याह ही आई है, फौजी तो उसका था। फौजी फिर वो तो नहीं बोला, छोटा ने ब्याह जो मंगता ब्याह दिया था ताऊ। अच्छा, और नहीं बोला मैं नहीं ब्याह भी कराऊंगा। ठीक है। फिर कई साल पाछा तेरी बुआ ने धक्का कर लिया, फिर ब्याह था। अच्छा, फिर दोबारा उसकी शादी करी। ठीक। अच्छा, 7 साल जेल में रहा उस टाइम, उसका कोई आता पता नहीं चलिया ना, फिर वो छुट के आया जिस उस टाइम देश आजाद हो लिया था। देश आजाद हो लिया था, वो तो नांगे देश में नांगे काट दिए थे, भर्ती भी कई कई
लागा दीती जाकर मीटर पर हाँ पाथे छिंदरे तैर लिए थे सुभाष चंद्र बोस तो कुछ था उनमें सीमना में बेटा दस दस पंद्रह पंद्रह तोड़े छियानवे आ गया था इनका ने बोला था हमने कुछ नहीं दिन दे है। अच्छा। और भूखे काट देंगे उनका गया पाप पाथे कपड़े तरा दिए। अच्छा उनती बेरा सको सको उनका अर्गन खरजवाना का पिंडिया के परेशन करा कर उसमें गाल दिया गाल दिया छमना तो सारा ले लिया हमने जाड़ा। अच्छा ये तो जमाने पे नहीं काट देते अंग्रेज थे उस टाइम में। हाँ अंग्रेज अंग्रेजन ले लिया। हाँ ठीक फिर ये दूसरे देश में तारे गए सात साल चिट्ठी पत्र कुछ नहीं आ गया। अच्छा ठीक हाँ तो ये पिल्सन बालसन ताई इतना मिला है कि वो नहीं मिलती मिला बेटा मिला। अच्छा ठीक दो ही मिला। तो भाई देखो ये ताई बतावे भाई बिल्कुल उनके कपड़े भी उतार लिए थे जिस टाइम वो दूसरा काले पानी ताई नहीं आजाद करे इनके कपड़े भी उतार लिए थे कुछ भी नहीं दिया था इनता ये तो बिल्कुल निवस्त्र होकर ना आए थे ईसा जुलम कराया गया था और कई कई कोस पर जाकर कपड़े दिए थे नंगे काट दिए छोड़ थे। ठीक अच्छा फिर तो तेरी पिल्सन में थोड़ा बहुत ब्याह करना होती ना मैं दिवाई मुझे क्या मांग तो उसकी थी फिर मांग तो उसकी थी ब्याह तो मैं आई थी काली तो करता उन्हें काटी का मन ना काटी यार जब ना जब सात साल और जो इंतजार कर लेंदी फिर भी तो उसका था सारा फिर उसो का था सारा वो मन ना दिवे फिर बैंड का मन से बैंड फिर पहली मांग तो ताई उसकी थी भाई। फिर आया पाछे मेरे ताऊ ने को बात बताई हो तेरा तावड़ा की और बात तो ये बताई बोला इस टाइम हम 5 बजे सुबह के उसमें दाद में चढ़ाया गए थे सुभाष चंद्र बोस ने रोंदा चढ़ा था ने बोला साथियों सवारी अर्फा में ना होता था राइब था ना कुछ नहीं। अच्छा सब कुछ तारे कपड़े भी तारेंगे बोला सुभाष चंद्र बोस ने कही है बात। हाँ ये कही है तरता वो रात। अच्छा नहीं बोला रोंदा चढ़ा था 5 बजे ठीक। तो उनका छोटा लड़का है वेद प्रकाश हमारे साथ है तो उससे ही बात करांगे उरा लिया भाई थोड़ी ही जी। तो आप बताओ भाई साहब अपने पिता के बारे में किस टाइम मान ले आपने तो थोड़ा बहुत ले पता होगा जन्म का बारे में किस टाइम कुंसी जेल में रहा उसके बारे में बताओ। 1916 का किताबों में लिखा है 1916 का जन्म था 1940 में भर्ती हो गए अंग्रेज के खिलाफ युद्ध में उस जब सिंगापुर की लड़ाई में भाग लिया और 7 साल जो कहते उसके काले पानी उतारे गए। अच्छा। उसके बाद 1900 उसमें आए हुए इसमें से 48 में। अच्छा। फिर आ कहना 1972 में इंदिरा गांधी ने और बंसीलाल जी थे उन्होंने 100 रुपये पेंशन के देकर तमा पत्र से सम्मान करके इनकी तनख्वाह बांधी आज इनको 55,000 रुपये महीना के मिला है। ठीक। 28,000 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट देवे 25-26 हरियाणा गवर्नमेंट देवे यानी के पिल्सन ताई की है उस टाइम की तामर पत्र अपने पास है वो तामर पत्र लिया दिखाओ एक बारी। तो ये देखो भाई ये जो तामर पत्र है ये आप देख सको हो नजदीक तक दिखा दे भाई एक बारी बिल्कुल तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म शताब्दी स्वतंत्रता सेनानी नाम रतिराम गिल पिता का नाम श्री मोहन सिंह गांव समैन जिला फतेहाबाद है भाई और समारोह के संदर्भ में स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लेने के उपलक्ष्य में हरियाणा सरकार की तरफ से यह ताम्र पत्र देकर सम्मानित किया जाता है। बंसीलाल मुख्यमंत्री हरियाणा 21 अक्टूबर 1997 को यह मिला हुआ है तो एक बहुत बड़ी है गांव समैन के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है भाई स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है लोकमान्य तिलक तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना 1885 से 1985 वर्ष के अवसर पर स्वतंत्र संग्राम में स्मरणीय योगदान के लिए हरियाणा राज्य की ओर से यह सम्मान पत्र भेंट किया जाता है 15 अगस्त 1985 को 24 श्रावण की 1907 साकबुद ये जो अपने दूसरे महीने हुए रतिराम पुत्र मोहन सिंह इसार उस टाइम डिस्ट्रिक्ट इसार होया करता भाई और आप देख सको समैन गांव खातर बहुत बड़ी उपलब्धि है भाई ये ताम्र पत्र समैन गांव के अंदर ये जो पकड़ता ही जो इतने बड़े बड़े सेनानी हुए हैं समैन के अंदर और आप देख सको उनको ताम्र पत्र से सरकार द्वारा सम्मानित भी कराया गया है तो इससे बड़ी गांव के लिए सौभाग्य की बात हमें तो नहीं लगती कि इससे बड़ी कुछ होगी। तो और क्या बताना चाहोगे भाई साहब आप अपने पिता के बारे में इसमें घर आएंगे फिर आके खेती बाड़ी करी। अच्छा फिर 1972 में इकट्ठे हुए दिल्ली लाल किला में फिर इलाहाबाद की उसमें रैली में एक पंजाब का था वो भी स्वतंत्रता सेनानी था उसने एक एप्लीकेशन लिखा इंदिरा गांधी को। हाँ। उन्होंने फिर इसकी इनकी तरफ ध्यान दिया फिर इनकी 1972 में पेंशन बांधी। ठीक
तो 1972 में कितने रुपए पेंशन मानदी इंदिरा गांधी? 100 रुपए पेंशन मानदी। हाँ। उसके बाद जो 10 साल हुड्डा सरकार आई, हुड्डा सरकार ने डबल कर करके ये इतनी पेमेंट कर दी। पहले ये 3500 कुछ मिलियन थे, 500 मिलियन, 8.5 मिलियन थे। लेकिन हुड्डा सरकार ने इनको ऐसे ऐसे 10 साल में ही इनको 52-55 रुपये में ले गए। तो ये आपका जो परिवार है बढ़िया तरीके से चल रहा है या कोई सरकार से आपके मांग है? ना मान बढ़िया तरीका था, बढ़िया सुख मौजा है, बढ़िया काम चल रहा है, सही है। मैं बढ़िया सम्मान करा बुजुर्गांगा, 15 अगस्त को 26 जनवरी को बुलाव है, एसडीएम तहसीलदार सम्मानित करा है। ठीक है, सुख शांति खुश है ताई, ठीक रंदी होगी। ठीक है, 55 रुपये मिला है तो मेरे उस्ताद का नहीं भी ध्यान दे ले, वा भी बेचारी देख दी होगी भाई। ताई का नहीं कोई ध्यान नहीं दिया, देखूंगा जूठ से वा भी नहीं देख दी होगी, दे आज मैं होंदी फौजन। और हम पर तो ऐसे जंदा। अच्छा, कहीं जंदा बोला का दो आज तनखा कराऊंगा थारी। और अपन ने बेटा कद कुछ दिया उमंद में तो उसका भी आई तो होगी बे, देख आई तो होगी। कोनी कह रहे हैं अपना हरियाणवी के, वो तो देख जिंदा हो गया हैं, कया होगा उती भी। और ठीक ठाक है, सारा सही चल रहा है? सही चल रहा है, बहु बेटे सही हो कर रहे हैं? सही, ठीक कर रहे हैं, सही सेवा चल रही है, तेरे काम में बिठा सारे। तो देखो भाई, इस प्रकार की और भी जानकारी हम लेके आवांगे हमारे चैनल पर, आप जुड़े रहो। और इस प्रकार की अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और फेसबुक पेज को फॉलो करो और देखते रहो रियल न्यूज हरियाणा।